इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। नगर पंचायत सरगांव के नजदीक ग्राम पंचायत करही में विगत एक माह से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण ग्रामीणों को लो वोल्टेज तथा गरीब किसानों को अपने खेतों में पानी डालने के लिए पर्याप्त लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे ग्राम पंचायत करही की फसल नुकसान हो रही है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में जल योजना तो है पर लाइट की समस्या के कारण ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रही। आलम यह है कि ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, संबंधित अधिकारी को सूचना देने के बाद भी एक महीना से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। ग्राम पंचायत करही के अंतर्गत प्राथमिक शाला के समीप से ट्रांसफार्मर के लिए हाई वोल्टेज तार गुजरी हुई है, जो कि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। विगत एक महीने पहले कुछ मवेशियों का उस तार की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। चूंकि स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और खेल मैदान में खेलते रहते हैं, जिससे कभी भी वहां अप्रिय घटना घट सकती है। इस वजह से तार को ऊपर करने की दिशा में अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत समझी जा रही है। लाइट का और टेप नल में फुल लाइन नहीं मिलने के कारण पानी का समस्या है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है पानी आपको? लगभग 1.5 से 2 महीना। अच्छा, सरपंच सचिव को बताएं इसके बारे में? इसके बारे में बता दिए हैं, फॉर्म भी भरे हैं ऑफिस में, वहाँ बिजली ऑफिस में, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है इसका। स्कूल के सामने बच्चा लोग पढ़ रहा है, वहाँ लोगों को बच्चों को खतरा है और 2-3 बार 3-4 ठो गरवा भी ख़त्म हो चुके हैं। शासन से मिला भी आदेश दे दिए हैं पर इसे यहाँ सुनाई नहीं है। इसके लिए आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी आप प्रयास करें। हाल अभी बिजली का है, ट्रांसफार्मर जर्जर है, खम्भा जर्जर है और हमारे यहाँ पानी की भाई बहुत तंगाई हो रहा है। तरिया नदी में पानी नहीं है, बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज भी है। लो वोल्टेज के कारण पूरा गांव परेशान है और मैं किसान हूँ और मेरे पंप से है और सिंचाई नहीं हो पा रहा है। पंप रहते हुए भी मतलब अकाल का कंडीशन है, मेरे खेत में पूरा धान जल गया है। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।